गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैथ बुक मैंने कल राइट हार्ट काम सीनी बिटवीन 1 से 20 पढ़ाई थी ना। राइट हार्ट काम्स इन बिटवीन 1 से 20 पढ़ाई थी ना। एक साइड मैंने कर दिया था, मैंने दूसरा साइड बोली थी कि आप लोग खुद करना, ये नहीं ना अभी तक ठीक ना। कोई बच्चे चेक कराने नहीं लेके आते हैं, इसलिए मुझे पता चला कि नहीं लिखे, काम नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने दोबारा फिर समझा दूंगी और इस साइड जो भरे नहीं थे भर दूंगी। आप लोग ग्रुप में काम करके ले आना, मैं चेक करूंगी। ओके बच्चे, देखिए बच्चे 1 के बाद क्या है 2, 8 के बाद 9, 4 के बाद 5, 15 के बाद 16, 13 के बाद 14, 10 के बाद 11, 14 के बाद 15, 11 के बाद 12, 17 के बाद 18, है ना। कल मैंने बीच की संख्या बता दी थी, समझा दी थी, आज इस साइड मैंने फिर करवा दूंगी और समझा दूंगी कैसे लिखना है। बच्चे देखो 2 के बाद क्या आएगा बच्चों, 2 के बाद 3, है ना। ये बॉक्स में कुछ नहीं लिखना, टी वाली बॉक्स में कुछ नहीं लिखना, टेंस वाली में, है ना, वो वाली बॉक्स में लिखना 3, है ना। 2 एक संख्या है, 3 भी एक संख्या है, 4 भी एक संख्या है। टेंस वाली बॉक्स देखो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद 6 और 8, बीच में क्या आएगा, 7 नहीं है, 7 लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 7, है ना, 6 7 8 हो गया। देखो उसका टेंस वाले बॉक्स खाली है, इसका भी टेंस वाले बॉक्स खाली है, इसका भी टेंस वाले बॉक्स खाली है ना। तो इसके बाद देखो 5 और 7, बीच में क्या आएगा, 6 नहीं है ना, तो 6 हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6, 5 6 7। ये एक एक संख्या है, हम भी एक एक संख्या लिखेंगे, टेंस के बॉक्स में कुछ नहीं लिखेंगे, है ना। उसके बाद 9 और 11, बीच में क्या नहीं है, 10 नहीं है, 1 और 0 10, दो संख्या है, तो दो संख्या में एक टेंस के बॉक्स में और एक वंस के बॉक्स में हम लिखेंगे, है ना। उसके बाद देखो 7 और 9, बीच में क्या आएगा 8, क्या आएगा 8 नहीं है ना, 7 8 9 एक एक संख्या है, टेंस बॉक्स में कुछ नहीं लिखना, है ना। उस तरह देखिए बच्चे 3 और 5, बीच में क्या नहीं है, 4 नहीं है, है ना, 3 4 5 एक एक संख्या है सब, है ना, टेंस के बॉक्स में कुछ नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद देखो ये दो संख्या का है 12 14, बीच में क्या आएगा, 13 आएगा, यानी 1 और 3, टेंस बॉक्स में 1, वंस के बॉक्स में 3, हो गया 13, है ना बच्चों। उस तरह देखिए 16 और 18, बीच में क्या आएगा, 17 आएगा, है ना, 17, टेंस के बॉक्स में 1, वंस के बॉक्स में 7, हो गया 17। उसके बाद देखो 18 और 20, बीच में क्या आएगा, 19 आएगा, क्या आएगा 19, टेंस के बॉक्स में 1, वंस के बॉक्स में 9, 18 19 20, हो गया बीच की संख्या, पूरा कंप्लीट हो गया पूरा पेज, है ना। देखिए बच्चे 2 3 4, 3 नहीं लिए हम, 3 लिखेंगे बीच की संख्या, बिटवीन नंबर, है ना, 6 7 8, बिटवीन नंबर 7 नहीं था, हम 7 लिख दिए, है ना, 5 6 7, 5 है 7 नहीं है, 6 नहीं था, हम 6 लिख दिए, बिटवीन नंबर यानी बीच की संख्या, है ना। फिर 9 10 11, 9 और 11 लिखा हुआ था, 10 नहीं था, हम 10 लिख दिए, है ना। उस तरह 7 8 9, 7 9 था, 8 नहीं था, बिटवीन नंबर हम 8 लिख दिए, 3 4 5, 3 और 5 था, 4 नहीं था, हम 4 लिख दिए, है ना। उस तरह देखिए बच्चे 12 13 14, 12 और 14 लिखा हुआ था, 13 नहीं था, बिटवीन नंबर बीच की संख्या, हम 13 लिख दिए, है ना। उस तरह 16 17 18,
16 और 18 था, है ना, 17 नहीं था, 16 और 18 था, 17 नहीं था, हम 17 लिख दिए बिटवीन नंबर, है ना। 18 और 20 बीच में 19 नहीं था, हम 19 लिख दिए, 18 19, ये हो गया क्या बीच की संख्या। ये पहले बुक में करने दो, उसके बाद मैं बोर्ड पे अच्छा तरह से समझा दूंगी, आप लोग को में करना, पहले बुक में है तो बुक में जितना है मैं उतना समझा दी हूँ, उतना बुक में भर लेना, उसके बाद मैं बोर्ड पे लिखूंगी बिटवीन नंबर, आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर भी, बिफोर नंबर सबसे लास्ट में समझा दूंगी, अच्छा से समझा दूंगी, आप लोग करोगे, तब तक इतना समझा रही हूँ, बुक में आप लोग करना। पेज नंबर 21 भर के मेरे पास ले आना, मैं चेक करूंगी, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बता दूंगी। ओके बच्चे, थैंक यू बच्चे, काम करके ले आना, मैं चेक करूंगी, ठीक है।